उम्मीद है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। यदि एनडीए गठबंधन की सरकार बाद में बनेगी, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद दिल्ली में सियासी उठापटक जारी है। इस बीच इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टी भी सरकार बनाने के लिए रास्ता तलाश रही है। विपक्षी पार्टियों की नजर एनडीए में शामिल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पर है। इस कड़ी में पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय विजयी उम्मीदवार पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हमेशा महात्मा गांधी के विचार पर चले हैं। ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि नीतीश जी पर देश को गर्व होगा जब वो देश के भरोसे पर खरे उतरेंगे और चंद्रबाबू नायडू भी। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और यदि एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे। दोनों की बैठक कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू हमेशा गांधीयन थॉट पे चले, अम्बेडकरवादी हैं, ये हमेशा सेक्युलरिज्म रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे उम्मीद है और मैं इस विश्वास को कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत मतलब बहुत, कि नीतीश कुमार जी पर देश को गर्व होगा जब वो आज देश के भरोसे पर खड़े हो गए चंद्रबाबू नायडू। और मुझे उम्मीद है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और यदि कोई सरकार नहीं बन गई तो मुझे ऐसा महसूस है कि यदि एनडीए गठबंधन की सरकार बाद में बनेगी, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं। बता दें कि चुनावी परिणाम आते ही पप्पू यादव एक्शन में दिखने लगे हैं। बीते रात तो सांसद पप्पू यादव जीएमसीएच का निरीक्षण करने गए और वहां की व्यवस्था देख चिकित्सकों पर भड़क गए। उन्होंने जीएमसीएच में वार्डों का निरीक्षण करने के बाद मरीजों की स्थिति और दवा की व्यवस्था पर अधिकारियों से बातचीत की। साथ ही चिकित्सकों को सीधे सीधे कहा कि मैं चिकित्सकों का सम्मान करता हूं, लेकिन जो डॉक्टर बाउंसर रखते हैं वो अपना बाउंसर हटा दें, जो पैथोलॉजी और मेडिसिन के कहने पर नर्सिंग होम चलाते हैं वो सजग हो जाएं। इधर लोकसभा चुनाव में बहुमत मिलने के अगले ही दिन बुधवार यानी 5 जून को एनडीए ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को नेता चुना। पीएम आवास पर हुई बैठक में टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समेत 14 दलों के 21 नेता थे। लोकसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, पार्टी को 240 सीटें मिली है। ये बहुमत के आंकड़े 272 से 32 सीटें कम है। ऐसे में वो 14 सहयोगी दलों से 53 सांसदों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार चलाएगी। इसमें चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जदयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।